वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सम टिपिकल सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड, जैसे टाइप फर्स्ट और सेकंड क्या थी हमारे पास, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, लीनियर इनटू स्क्वेयर रूट लीनियर, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या थी हमारे पास, कि डिवाइड में क्या हो, क्वाड्रेटिक और स्क्वेयर रूट ऑफ लीनियर, इस तरीके से, ठीक है। मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ लीनियर, तो यहां पर क्या रूल था, वर्किंग रूल हमारे पास, कि पुट करेंगे किसको, स्क्वेयर रूट ऑफ लीनियर को किसके कोल, टी के, फिर दोनों साइड स्क्वेयरिंग, ठीक है। स्क्वेयरिंग का मतलब लीनियर किसके कोल, टी स्क्वेयर, फिर इसका डिफरेंशिएशन, और आगे हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ठीक है। मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ लीनियर को पुट करते हैं दोनों ही टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप थर्ड की, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म किस टाइप का हमारे पास, की लीनियर इनटू स्क्वेयर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहां पर क्या था, क्वाड्रेटिक इनटू स्क्वेयर रूट लीनियर, और यहां पर इसका अपोजिट, मतलब लीनियर बार और स्क्वेयर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसका रूल क्या हमारे पास, कि पुट करेंगे ठीक है, किसको, लीनियर को, किसके इक्वल, 1/t, ठीक है, इस तरीके से। मतलब तीनों ही टाइप में हम लीनियर को पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है dx अपॉन x प्लस 1, और हमारे पास है x स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट, तो कौन सी टाइप है हमारे पास, बार लीनियर और रूट के अंदर क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक प्योर भी हो सकती है और सिंपली क्वाड्रेटिक भी, ठीक है। प्योर का मतलब जिसमें x स्क्वेयर प्लस ई हो डायरेक्ट, मतलब x की पावर 1 का कोई भी फैक्टर ना हो या फिर कोई टर्म ना हो, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक। अब जैसे कौन सी टाइप है ये, प्योर क्वाड्रेटिक, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वर्किंग रूल क्या हमारे पास, कि पुट करेंगे किसको, लीनियर को, x प्लस 1 को, किसके इक्वल, 1/t, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का क्या होगा, 1, और प्लस 1 का 0, कॉन्स्टेंट का 0, जिसमें x ना हो, किसके इक्वल होगा। अब जैसे 1/t है, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1, ठीक है, t की पावर -1, और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर रूल से, क्या होता था पावर रूल, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, इस तरीके से, और फिर पावर का मतलब बेस का, t का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx, इस तरीके से। यहां पर जो 1 लिखा हमने, एक्चुअल में dy/dx ऑफ x था, इसलिए 1 होता है। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, dx की क्या वैल्यू होगी, जैसे यहां पर डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा -1, तो एज इट इज, यहां पर क्या होगा t की पावर -2, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और साथ में क्या है dt, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, dx की जगह क्या होगा -1/t² × dt, और डिवाइड में क्या हमारे पास, अब जैसे x प्लस 1 को क्या पुट किया हमने, 1/t इंटू अब स्क्वेयर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। अब जैसे यहां पर स्क्वेयर रूट ऑफ x² - 1 तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पुट करने के बाद x नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से, जैसे यहां पर क्या हमारे पास, कि x प्लस 1 किसके बराबर है, 1/t, तो x क्या होगा यहां से x किसके इक्वल होगा, 1/t - 1, और हमें क्या चाहिए x square minus 1, x स्क्वेयर माइनस 1 का मतलब 1/t - 1 का होल स्क्वेयर, और फिर -1,
इस तरीके से। तो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है इस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर, मतलब फिर प्लस बी स्क्वेयर, और फिर क्या होता है माइनस टू ए बी, टू इंटू वन बाई टी इस तरीके से, और माइनस वन साथ में, यहाँ पर वन से वन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, वन अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टू अपॉन टी। तो यहाँ पर टी क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम, टी हम एलसीएम, टी स्क्वेयर होगा एलसीएम, तो क्या होगा ऊपर वन माइनस क्या होगा यहाँ पर टू टी इस तरीके से, मतलब क्या होगा अब हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या होगा अब एक्स स्क्वेयर माइनस वन की वैल्यू क्या है, वन माइनस टू टी डिवाइड बाई टी स्क्वेयर, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ऊपर है माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी, और डिवाइड में क्या है वन बाई टी, और स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन की वैल्यू क्या थी, वन माइनस टू टी और डिवाइड बाई टी स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर रूट है इन दोनों का, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो सबसे पहले टी से एक पावर कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस बार, और क्या है वन बाई टी इंटू डी टी, और डिवाइड में क्या है, जैसे यहाँ पर नीचे टी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, बार क्या आएगा पावर इसकी इस तरीके से, और क्या है ऊपर वन माइनस टू टी का स्क्वेयर रूट, टी से टी कैंसिल, तो हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना, माइनस वन अपॉन वन माइनस टू टी का स्क्वेयर रूट इंटू डी टी इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे हम हमारे पास क्या है डिवाइड में लीनियर, लीनियर की पावर है एक से अलग कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका रूल क्या था हमारे पास कि सबसे पहले पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, डिवाइड में हो हमारे पास सिंपली वन माइनस टू टी इस तरीके से हो, डिवाइड में लीनियर हो उसकी पावर एक हो, तो क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर टी, तो क्या होता था लॉग ऑफ एज इट इज वन माइनस टू टी, और डिवाइड बाई टी का कोफिशियंट इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है एक से पावर अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे प्लस हाफ है तो ऊपर माइनस हाफ, तो किसके इक्वल होगा यहां से, अब जैसे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा माइनस, अब जैसे यहां पर क्या है इसकी पावर है, पावर रूल, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन का पावर में एक जोड़ दो, और डिवाइड बाई टोटल पावर मतलब एन प्लस वन प्लस सी इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बेस तो एज इट इज, पावर में एक एड, और डिवाइड बाई क्या होगा अब हमारे पास माइनस टू और प्लस वन, और साथ में क्या प्लस सी इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा अब जैसे माइनस वन बाई टू प्लस वन कितना होता है, वन बाई टू, जैसे यहां पर होगा वन बाई टू, और नीचे डिवाइड में टू है तो ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और क्या होगा यहाँ पर वन माइनस टू टी, और इसकी पावर कितनी होगी वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब स्क्वेयर रूट, और साथ में क्या हमारे पास प्लस सी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि टी की वैल्यू अगेन पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, अब जैसे क्या था हमारे पास कि एक्स प्लस वन को क्या माना था हमने वन बाई टी, तो टी किसके इक्वल होगा यहां से वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो टी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस टू, और साथ में क्या होगा स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस टू इंटू टी की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी इस तरीके से। यहां पर एलसीएम ले सकते हैं अगर आगे हम सिंप्लीफाई करें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, कि क्या हमारे पास कौन सी फॉर्म हो, बाहर तो लीनियर और अंदर क्या हो क्वाड्रेटिक, इसका स्क्वेयर रूट। तो वर्किंग रूल क्या है कि पुट करेंगे किसको, लीनियर को, क्योंकि
किसके इक्वल, 1 बाई टी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।